पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण के दौर से गुजर रही है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के अब तक 1,54,209 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 22,25,000 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं। वहीं बात अगर अमेरिका की करें तो यहां कोरोना से स्थिति गंभीर होती जा रही है। अमेरिका में अब तक 37,158 लोगों की मौत हो चुकी है, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है। लगातार कोरोना का प्रकोप दुनिया भर में फैलता जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1.5 लाख के पार पहुंच चुकी है। अब तक कोरोना से 1,54,209 लोगों की मौत हो चुकी है और दुनिया भर में 5.5 लाख से अधिक लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। लगातार कोरोना का कहर पाकिस्तान में कोरोना का संक्रमण, अमेरिका ने $8.4 मिलियन का ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का किसानों के लिए ये ऐलान। अमेरिका में कोरोना के 286 नए मामले सामने आए, लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 7,10,021 लोग संक्रमित। यूरोप के दो देशों ने कोरोना से व्यापक स्तर पर जंग भी लड़ी है। जर्मनी ने पहले तैयारियां की, फिर संक्रमण फैलने से रोका। पहला केस आने से पहले ही टेस्ट किट जर्मनी में बना ली गई थी। टेस्टिंग को लेकर नतीजे तक सारे काम घर पर ही किए गए। कोरोना जंग में समय रहते जर्मनी ने सख्त कदम उठाए। देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन है। वहीं भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 14,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि अब तक 480 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं राहत की बात यह है कि अब तक 1,992 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के 24 घंटे में 991 नए पॉजिटिव सामने आए, जबकि 43 लोगों की मौत हो जाने के साथ ही कुल 480 लोगों ने दम तोड़ दिया और 1,992 लोग इससे ठीक भी हो चुके हैं। थोड़ी राहत की खबर ये। लगातार देश में कोरोना का कोहराम, 14,000 से ज्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है और कोरोना से 480 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,992 मरीज ठीक भी हुए हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत ये। इंदौर में कोरोना से हालत बेहद नाजुक है। देश में कोरोना का कोहराम लगातार बढ़ता जा रहा है। 14,000 के पार संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है और साथ ही 480 लोगों की यहां पर मौत हुई है। 1,992 मरीज ठीक भी हुए हैं और इंदौर में लगातार कोरोना से नाजुक हालात बने हुए हैं। 14,000 के पार पहुंच चुकी है संक्रमित मरीजों की संख्या। इंदौर में बेहद नाजुक हालात हैं और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारी संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। प्रीत किरण, देखिए लगातार नाजुक हालत बनती जा रही है। इंदौर की अगर बात करें तो बेहद नाजुक हालात वहां के हैं और भी बाकी जगह देखिए 480 लोगों की मौत हुई है। बाकी देशों की तुलना अगर करें तो कंट्रोल में सिचुएशन है, लेकिन फिर भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। किस प्रकार से इंतजाम किए गए हैं और किस प्रकार से लगातार इलाज जारी है? जी बिल्कुल मनीषा, तमाम इंतजाम किए गए केंद्र सरकार की ओर से। आंकड़ा जरूर बढ़ रहा है लेकिन उतने ही पुख्ता तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं। खास तौर पे जिस तरीके से पीपी किट्स की बात की जाए या रैपिड किट्स की बात की जाए, केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों में मुहैया कराई है। इसके साथ ही जो फोर्सेज हैं, चाहे वो आर्म फोर्सेज हो, BSF हो या फिर तमाम जो फोर्सेज है, उनकी तरफ से भी ऐसे जो अस्पतालों को मैनेज किया जा रहा है, कोरोना पेशेंट्स को उनकी निगरानी में रखा जा रहा है। आज इसको लेके एक मीटिंग हुई जिसमें तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। इस मीटिंग में भी ये फैसला लिया गया कि जितनी पुख्ता तरीके से डिफेंस की तरफ से मदद मिल रही है कोरोना को लेके, खुद डिफेंस के और तरफ से पीपी किट्स बनाई जा रही हैं और हॉस्पिटल में उनकी तरफ से तमाम मदद की जा रही है, उसको देखते हुए राज्यों को भी ये मदद पहुंचाई जाएगी। और अगर उनसे जो तरीके से किट्स जो बनाई जा रही है, अगर उसकी सेल की जाए तो उसका भी पूरा खर्चा है, अब वो
कहीं ना कहीं कोरोना के मामलों को निपटाने में लगाया जाएगा। हर राज्य में इस तरीके के केंद्र की ओर से जितनी मदद मांगी जा रही है वहां पर पहुंचाई जाएगी। जी मनीषा। प्रीत किरण, एक और चीज मैं यहां पर जानना चाहूंगी। देखिए, लगातार सिम्टोमेटिक इलाज दिया जा रहा है, हालांकि दिल्ली में अभी जांच लगातार जारी है पेशेंट्स की, लेकिन एक चीज और यहां पर, क्योंकि अलग अलग सिम्टम्स नजर आ रहे हैं पहले की तुलना में, अगर अभी देखें तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत नॉर्मल हैं और जिनमें कोरोना के सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अब पहले की तुलना में काफी जो है मरीज ठीक होके भी जा चुके हैं, और ऐसे में राज्य सरकार जो दिल्ली की सरकार है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो वायरस अब तक 1700 मरीजों में पहुंचा हुआ है, जो बिल्कुल जो पुख्ता जो है ये मामला जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें 42 लोग अब तक मर चुके हैं, 27 लोग अभी भी आईसीयू में है दिल्ली में। लेकिन ऐसे जो संवेदनशील इलाके हैं, हॉटस्पॉट की बात करें, चाहे वो खिचड़ीपुर की बात करें, वसुंधरा एनक्लेव की बात करें, यहाँ पर पिछले 15 दिनों में एक भी नया पॉजिटिव केस नहीं आया है। इसलिए जो हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, जो क्वारंटाइन किया गया है जिन लोगों को, अभी तक उनकी तरफ से सब कुछ जो है हॉटस्पॉट में ठीक चल रहा है, और कहीं ना कहीं जो नए मामले हैं उनकी ग्रोथ लगातार कम हो रही है। चाहे वो दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, दोनों ही जो जगह है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स पाए गए हैं। तो ऐसे में 1700 पेशेंट्स को दिल्ली सरकार ने काफी अच्छे से मैनेज किया है, दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है। जी प्रीत किरण, दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी के जरिए भी इलाज हो रहा है, क्या कहेंगे आप, कारगर साबित हो रही है या नहीं? जी बिल्कुल, प्लाज्मा थेरेपी जिस तरीके से सबसे पहले दिल्ली में जो दिल्ली के राज्यपाल हैं उनकी तरफ से इसे अनुमति दे दी गई है ट्रीटमेंट करने के लिए, और अब अन्य राज्यों में भी इस थेरेपी से इलाज किया जाएगा। कल जो बैठक हुई उसके अंदर जो हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन उनकी तरफ से ये कहा गया कि अन्य राज्यों में भी इसको अपनाया जाएगा, और आज की जो बैठक GOM जो बैठक हुई केंद्र सरकार की ओर से उसमें ये कहा गया कि जिस तरीके से जो भी मदद चाहिए अन्य राज्यों को केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही है, चाहे वो ट्रीटमेंट की बात की जाए, चाहे वो आर्थिक मदद की बात की जाए, तो खासतौर पर ट्रीटमेंट में इसका जरूर इस्तेमाल किया जाएगा। अगर दिल्ली में इस तरीके से काफी पेशेंट्स को, किसी पेशेंट्स को राहत मिलती है तो। बिल्कुल प्रीत किरण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें लगातार इलाज भी जारी है और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल में सिचुएशन करने में लगातार देश के डॉक्टर्स जुटे हुए हैं। भारतीय